तेरी शिफा को बह में तेरी शिफा को में तेरी शिफा को तो Bless you, Lord. Bless your holy name. Bless you, Lord. <coughs> Bless your holy name, Lord. Bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. Shalom, sabko jai Yeshu Masiki. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mm. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mm. Oh, glory to God, Hallelujah. Glory, glory, glory. Lord we bless you. Hmm. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. लूआया मन और कर्मों से मैं बना हूँ तेरा दास मिलती तुझी से शांति मुझे रख तू मुझे अपने पास जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास तू थे मेरा हाथ मैं रहूं प्रभु तेरे साथ मैं रहूं प्रभु तेरे साथ मेरी राह है कल आसान यीशु तू है मेरा नाथ यीशु तू है हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Lord, we exalt you this morning. We magnify you. <coughs> we lift up your name, Lord. Hallelujah. We come into your presence to worship you we come into your presence to magnify your name lord we come before you to exalt you exalt you exalt you exalt you exalt you, exalt you lord exalt your name hallelujah 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 tere खुदी तेरे जलाली खून की हजूरी को खोलते हैं 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 हालेलुया हालेलुया लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड वी कम अंडर योर ब्लड विकम राइट अंडर योर ब्लड राइट अंडर योर ब्लड राइट अंडर योर ब्लड मैं तेरे खून की हजूरी को खोलता हूँ खुदावन तेरे पवित्र लहू को मैं पुकारता हूँ तेरे पवित्र लहू को मैं पुकारता हूँ खुंद खुदावन जी तेरे पवित्र खून को मैं पुकारता हूँ तेरे खून को मैं पुकारता हूँ हाली लू तेरे लहू को मैं पुकारता हूँ तेरे जलाली खून को जलाली खून को जलाली खून को मैं पुकारता हूँ जलाली खून को मैं खुदावन जी पुकारता हूँ खुदावन तेरे जलाली खून को तेरे जलाली खून के मसा को पुकारता हूँ हाली खून के मसा को तेरे जलाली खून की हजूरी को पुकारता हूँ खाले लुया खून की हजूरी तेरे जंदा खून की हजूरी पुकारता हूँ जंदा खून की हजूरी जिंदा खून जलाली खून की हजूरी हले तेरे मसाशुदा खून की हजूरी को मैं पुकार था खुदांदा हले लुया हले लुइया हले लुइया हले मसीह तेरा धन्यवाद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद तूने अपना खून दिया हमारे लिए खुदावन तूने अपना खून दिया और वो खून जिंदा है खुदावन वो खून जिंदा है जो तूने दिया हमारे लिए मैं खुदावन उसी जिंदा खून को पुकारता हूँ उसी जिंदा खून को पुकारता हूँ खुदावन यीशु उस जिंदा खून को मैं पुकारता हूँ <क्क्क्कीँग> उस जिंदा लहू की हजूरी को पुकारता हूँ आज की सुबह हाली लोहिया जिंदा खून की हजूरी जिंदा खून की हजूरी खुदावंद हम लोगों के ऊपर हम जो तेरे हजूर में आए हैं खुदावंद तेरे खून की हजूरी उतरे इसी समय तेरे लहू की हजूरी उतरे तेरे जलाली आए। इसी समय उदावन तेरे खून की उपस्थिति हमारे ऊपर आ जाए जलाली खून की हजूरी आ जाए जलाली खून जलाली खून जलाली खून हाली लूया जलाली खून की हजूरी जलाली खून की हजूरी जलाली खून की हजूरी हाली जितने लोग इस समय खुदावन कनेक्ट है ऑनलाइन हम सब पे तेरे खून की जलाली हजूरी उतरे तेरे ब्लड की जलाली हजूरी खुदावन सेक्रेड प्रेजेंस ऑफ द ब्लड लेट द सेक्रेड प्रेजेंस ऑफ द ब्लड कम अपॉन अस लॉर्ड सेंड द सेक्रेड पावर ऑफ द ब्लड हालेलुया सेक्रेड प्रेजेंस देर इज ग्लोरी एन द ब्लड हाले लूया देर इज ग्लोरी एन दिक्रेट ब्लड उस लहू को मैं खोलता हूँ उस लहू की कुदरत को मैं पुकारता हूँ आज की बात येसु तेरे खून की कुदरत उतर आए येसु मसीह तेरे खून की कुदरत उतर आए येसु मसीह तेरे खून की कुदरत उतर आए तेरे खून की हजूरी हाले तेरे लहू की हजूरी हमारे ऊपर उतरे आज की सुबह जलाली खून की हजूरी खुदावन हम्म मैं तेरे खून को पुकारता हूं खुदावंद इस समय जितने लोग ऑनलाइन हैं इनके ऊपर मैं तेरे ब्लड को इनवोक करता हूं लॉर्ड आई इन्वोक द ब्लड ओवर ललित मेहरा एंड हिज फैमिली आई इन्वोक द ब्लड ऑफ द लैम ओवर अमरजीत कौर एंड फैमिली आई इन्वोक द ब्लड ऑफ द लैम ओवर विनोद क्रिश्चन इन कैनेडा Lord, I invoke the blood of the Lamb over Vanita Chopra and her family. I invoke the blood of the Lamb over Manisha Singhi, Lord, over her family, household, the blood of the Lamb. Lord, I invoke the blood <coughs> over Minusud and her household. I invoke the blood over Brother Sahil from Pakistan. I speak the blood, the blood. I speak the blood over Rakesh Kumar and his household. Lord, I speak the blood of the lamb over Jasvir Singh Surinder. Lord, I speak the power of the blood of the lamb. Hallelujah. Over Vinodni Christian. The power of the blood of the lamb over Tanuja Sate. The power of the blood of the lamb over Rima Shamim and her household. Lord, I speak the power of the precious blood of the Lamb <coughs> over Brother Ravi Prakash Gupta. Over his household. I invoke the power of the blood now, Lord. Over M Gurvinder, I speak the power. Precious power of the blood of the Lamb. I invoke the power of the blood of the Lamb over Darshan Singh. And his children and his household. I speak the power of the blood of the Lamb. I invoke the power of the blood of the Lamb over Pavitra Kaur, even now, over her household, Lord. Hallelujah. <clears throat> I speak the power of the blood of the Lamb over Malkiyat Gil and his household. May the power, the virtue, the anointing of the blood be unleashed over Anita Rani and her household. The power of the blood of the Lamb. Lord, let the power of the blood of the Lamb be unleashed over Chander Mohan and his household. The precious power there is in the blood. Lord, let the power and the virtue be unleashed over Amit Sam and his household. Now, Lord, I, I plead you, Lord. <clears throat> now. Over Kulminder, Kaur, release the power of the blood. Mm. Lord, right now, surround them with the blood covenant. Lord, surround these people with blood covenant. Rakesh Kumar's sister, who is in California, her household under the blood. Lord, I release the power, the power, the power of the blood. Mm. Lord over Guru Preet Singh and his household. The power of the blood. The power of the blood. Release the power of the blood. Hallelujah. Let heaven respond to my petition. Let heaven respond. Lord release the power of the blood around me, around my children, around my wife, my mother my brothers and their houses, <coughs> release the power of the blood. Lord, release the power of the blood. Every person that you have given into the ministry of your servant in different states of India, in different nations of the world, I release the power of the blood this morning. Lord, over everyone who prays for your servant, I release the power of the blood over everyone who supports financially the work of the kingdom that you and trusted in my hands, I release the power of the blood. Hallelujah! I release the power of the blood. I release the power. There is power coming. This is the power of the blood of the Lamb. This is the virtue of the blood of the Lamb. It is surrounding your household. Hallelujah! This power is too mysterious and this power is too sacred. Hallelujah! This is the power of the blood covenant. हालेलुया दिस पावर इज कमिंग अराउंड यू ये खून का आहद है भाई और बहनों ये खुदाउ यसु मसीह की जवानी के खून का अहद है ये जो अहद है खून का ये कुवत से भरा है मसा से भरा है शिफा से भरा है हाल ये आपको चंगा करेगा ये आपके जुए तोड़ेगा ये बंधन तोड़ेगा आपके घरों से तारिकियाँ भागेंगी आपके घरों से बदरुए भागेंगी आपके घरों में खुदावन रिशो का जलाल उतरेगा हाल मैं इस खून को इन्वोक करता हूँ खुदावन मोनिका सबरवाल पे, उसके बेटे के ऊपर इस ब्लड को इन्वोक करता हूँ खुदावन मैं भाई मुकेश महेश के लिए खुदावन हाल उसके बीवी के ऊपर उसके बच्चों पे इस खून को इन्वोक करता हूँ खुदावन मैं रमन खान पे रीना खान पे उनके ख़ानदान इस ब्लड को इन्वोक करता हूँ कोमल और साइमन के ख़ानदान पे इस ब्लड को इन्वोक करता हूँ पास्टर इमेन सिंह के ख़ानदान पे ब्लड को इन्वोक करता हूँ रतन प्रकाश के ख़ानदान पे ब्लड को इन्वोक करता हूँ खुशबू गुप्ता के ऊपर खुदावन और खुदावन राज के ऊपर उनके ख़ानदान पर इस ब्लड को इन्वोक करता हूँ खुदावन हम्म मुश्तक कक्कड़ के ख़ानदान पे खुदावंद तेरे खून की कुदरत काम करे हम्म तेरे लहू की कुदरत सुनीता गुरिया कंसवर पे तेरे ब्लड की कुदरत को खोलता हूँ ये जो वाचा तूने खून से बांधी है इसकी बरकतें खोल सुनीता गुरिया कंसवर रीना खान इनके ख़ानदानों पे खोल खून की बरकत खुदावंद हाल लुइया खोल खुदावन तेरे खून की बरकत तेरे लहू लहू का मसा खोल खुदावन तेरे लहू की चंगाई खोल तेरे लहू की हजूरी खोल बरकत उंडेल तेरे लोगों को खुदावन हालेलुया खुदावंत खुदावन गीता पे तेरे खून की बरकत को मैं खोलता हूँ उसके पति प्रहलाद पे तेरे खून की बरकत को खोलता हूँ हाल ले उसके पति प्रहलाद को छू विष्णु लक्ष्मी हाल लुया खुदावन तेरे खून की कुदरत को खोलता हूं हाल तेरे लहू से सजा तेरे लोगों को खुदावन ताकि लोग खुदावन पाप ना करें तेरी आज्ञाओं को ना तोड़ें खुदावन तेरी विधियों में जिए तेरे हुक्मों में जिए ताकि खून का कवच टूटे ना हालईया हर दिन हर पल दिल प्यासा तेरा मैं तेरे पीछे भागू ढूंढू साया तेरा जान मेरी शादाब तू कर अपने रूह की आग से भर मुझ में दिखे बस तू मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे मेरे यीशु यीशु मेरी तमन्ना मेरी यार जू तू मेरी जुस्तू जु। तेरा राज और तेरी रास्ती दिल से मैं ढूंढू <coughs> जिंदा खुदा के अजली बेटे दिल शाद करे मेरा तू मेरे यीशु मेरे यीशु Mere Yesu 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 Lord I invoke the blessing of the blood over just one thing and his household. Mm. The blessing of the blood. Hallelujah. The blessing of the blood of the Lamb. Hallelujah. Hmm. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भाई और बहनों परमेश्वर के वचन में से कुछ आपको बताना चाहता हूं हरे लुया प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन हरे लुया पवित्र आत्मा मुझे बुक ऑफ रेवलेशन की ओर जैसे पाखरू मुझे खींचता है फील दैट पुल टुवर्ड्स द बुक ऑफ रेवलेशन तो मैं आपको लेके चलना चाहता हूं रेवलेशन चैप्टर नंबर फोर वर्स नंबर वन आप ध्यान से देखें प्रकाशित वाक्य चार अध्याय का पहला वचन और प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय का आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है ही दैट हैथ एन ईयर लेथन हियर व स्पिरिट से चर्च इस जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है पवित्र आत्मा कलीसियाओं से कुछ बोलता है लेकिन भाई और बहनों बहुत सी कलीसियाएं और कलीसियाओं के अगुए पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं बहुत सी चर्चेस के अंदर गीत तो गाते हैं होली स्पिरिट यू आर वेलकम होली स्पिरिट वी सरेंडर टू यू पवित्र आत्मा आ रूहे पाक आ उतरा उतरा पाक रू उतरा गाते हैं जरूर हैं लेकिन बहुत सी चर्चेज आवाज नहीं सुनती हैं पवित्र आत्मा की ये खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी शब्द हैं ये चर्च को यीशु मसीह के लास्ट वर्ड हैं ये रेवल्यूशन चैप्टर थ्री की लास्ट वर्स में और ये लौदीसिया की कलीसिया है लौदिकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया जिसमें आप और मैं रह रहे हैं इस कलीसिया को बहुत सी बातें कहता है खुदावंद मैंने आपके संग बहुत बार शेयर किया है फिर किसी समय करेंगे लेकिन अभी मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह कलीसियाओं से क्या बोल रहा है हुँ? प्रकाशित वाक्य तीन के बीस में लिखा है behold आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक सुने ध्यान से ये सारी बाइबल आपको तब समझ आएगी जब आप जूश कोलोकियलिज्म जूश कल्चर जूश भाषा जूश कस्टम शैली को समझेंगे जब जब किसी की एंगेजमेंट हो जाती है उसके बाद दूल्हा जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है वो अपने पिता के संग आता है और दूल्हा क्या करता है रेवलेशन पूरी ज्यूइश ज्यूइश जो यहोवा परमेश्वर ने यहूदियों की दी बातें उस कलरफुल कलरफुल टेपेस्ट्री से भरी हुई है तो दूल्हा अपने पिता के संग आता है और अचानक दुल्हन के द्वार पे आके खटखटाता है हाल लुइया ताकि वो अपनी दुल्हन को ले जाए यहां पे लिखा बीहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक ये दूल्हा आया है दुल्हन को लेने के लिए हाल द्वार पे खड़ा क्या कर रहा है खटखटा रहा है कहता अगर कोई मेरी आवाज को सुने और डोर को खोले आई विल कम इन टू हिम एंड आई विल सप विद हिम एंड ही विद मी मैं उसके संग खाऊंगा वो मेरे संग खाए अब आपको याद होगा जब यीशु मसीह फसा का मील खा रहे थे चेलों के साथ आखिरी भोजन तब यीशु मसीह ने कहा अब मैं फिर ना पीऊंगा जब तक मैं पिता के राज्य में ना आ जाऊं लेकिन यहां यीशु मसीह कहते हैं मैं उसके संग आई विल हैव डिनर है दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है वो कह रहा जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन भाइयों और बहनों कलीसियां सुन नहीं रही हैं यहोवा की आवाज एक स्लंबर लोगों के ऊपर लोगों के ऊपर एक ऐसी गहरी नींद आ गई है और लोगों की आंखें ऐसी डल है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है घड़ी कौन सी है समय कौन सा है प्रभु जल्दी आ रहा है कुछ नहीं इन चीजों को जान रही गली से और आखिरी शब्द यीशु मसीह के हैं, जिसके कान हो वो सुन ले हालेलुया कान होते हुए भी ना सुनेंगे आंखें होते हुए भी वो ना देखेंगे ऐसा हाल है लोगों का चौथे अध्याय में जब आप आते हैं यहां पे लिखा है आफ्टर दिस इसके बाद अब ये किसके बाद लिखा है <coughs> किसके बाद प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय के बाईस वचन और प्रकाशित वाक्य चार अध्याय के पहले वचन दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्योंकि यहां पे एक बड़ा यूनिक ग्रीक वर्ड है मेटा टाउटा आफ्टर दिस के लिए ग्रीक वर्ड है मेटा टाउटा जिसका मतलब है कोई इवेंट कोई घटना घटी है प्रकाशित वाक्य तीन बाईस और प्रकाशित वाक्य चार एक के बीच में मेटा तोता ग्रीक वर्ड जो है किसी इवेंट को दिखाता है इसका मतलब है इस घटना इस इवेंट के बाद मैंने क्या देखा दैट ए डोर वॉज ओपन इन स्वर्ग में दरवाजा खुला भाई और बहनों प्रकाशित वाक्य के तीन अध्याय में दरवाजा बंद हुआ जब यह हुआ परमेश्वर ने हमारे माता और हमारी माता और हमारे पिता आदम और हवा को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया <coughs> और फ्लेमिंग सोड आग की घूमती हुई दीवार कायम कर दी और कैरबियम कायम कर दिया उस गेट के ऊपर ताकि कोई इंट्रूजन ना हो सके लेकिन दरवाजा बंद हो गया प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय चार अध्याय के पहले वचन में दरवाजा खुल रहा है लु तब दरवाजा खुला

जिसे हमारे इंडिया में कहते हैं दुल्हन ग्रह प्रवेश कर रही है हाले हालेलुया लुया हाले तो क्या योना क्या देखता है प्रकाशित वाक्य में योना देखता है अब बहुत अद्भुत बातें हैं युना एंड इमिडियटली आई वॉज इन द स्पिरिट एंड बीहोल्ड सेट इन एंड सेट ऑन द्रोन उसी समय होली स्पिरिट ने कैटा पुलट कर दिया किसे जॉन वॉज लिफ्टड अप इन हेवन ट्रांसलेट हो गया युना और ट्रम्पट की तरह जो आवाज है वो खुदाबंदी शिमसी की आवाज है वो उसे कह रहा हा मैं तुझे दिखाऊंगा जो कुछ होने वाला है hallelujah or written? immediately i was in the spirit and behold a throne was set in heaven and the one <clears throat> and one sat on the throne and he that sat was to look he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone and there was a rainbow Round about the throne in the sight like unto emerald. And round about the throne were four and twenty seats. And upon the seats I saw four and twenty elders sitting clothed in white raiment. And they had on their head crowns of gold. Hmm. John is translated into the throne room. Throne room mein chala gaya. Adhut throne room hai. <coughs> ये वो सिंहासन है जिनकी ब्यूटी जिनकी सुंदरता बयान करना मुश्किल है फिर भी ये होना जो देख पा रहा है वो लिख रहा है और इस सिंहासन के चारों ओर चौबीस प्राचीन बैठे हुए हैं ट्वेंटी फोर एल्डर्स और ये जो प्राचीन है भाई और बहनों इनके सर के ऊपर सोने के मुकुट है और इनके कपड़े शोय हैं, वाइट रेमेंट्स है डेजलिंग व्हाइट रेमेंट्स पहने हुए हैं हरे लोहिया यहाँ पे ग्रीक वर्ड है प्रेस प्रेस ब्यूटर प्रेस ब्यूटोरस जहाँ से प्रेस बिटीरियन चर्च प्रेस बिटीरियन चर्च सुना आपने नाम होता है चर्च का प्रेस बिटीरियन वो यहाँ से वर्ड निकालते हैं प्रेस ब्यूटरॉस प्राचीन बुजुर्ग ये कभी भी एंजल के लिए यूज नहीं हुआ ये जो शब्द है ना कुछ लोग कहते हैं ये चौबीस एंजल्स हैं ये जो वर्ड है प्रेस ब्यूटरोस ये कभी एंजालिक बींग के लिए कभी यूज नहीं हुआ पूरी बाइबल में समझ रहे हैं आप एंजल्स के लिए एंगल ऑस वर्ल्ड है ग्रीक में <laughs> तो ये जो चौबीस बुजुर्ग हैं इनकी खासियत देखें ये फरिश्तों से बहुत अलग हैं अब आप पांच अध्याय प्रकाशित होकर पांच अध्याय के ग्यारह वचन में आए यहां लिखा एंड आई बिहेल्ड एंड आई हर्ड द वॉइस ऑफ मेनी एंजल्स राउंड अबाउट द थ्रोन सिंहासन के इर्द गिर्द दूत भी हैं प्रकाशित वक़्त पांच ग्यारह में क्या लिखा आई हर्ड द वॉइस ऑफ मैनी एंजल्स राउंड अबाउट द थ्रोन एंड द बीस्ट एंड द एल्डर एंड द नंबर ऑफ दैम वॉज टेन थाउजेंड टाइम्स टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड टाइम्स थाउजेंड से लाउड वॉइस वर्दी इज द लैम दैट वॉज स्लेन टू रिसीव पावर एंड रिचेज एंड विजडम एंड स्ट्रेंथ एंड ऑनर and glory and blessing and every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them <clears throat> heard i saying blessing and honour and glory and power be unto him that sitteth, sitteth upon the throne एंड unto द लैम फॉर एवर हाले लु ये एंजल्स जो स्तुति कर रहे हैं लेकिन ये जो चार अध्याय में है ये प्राचीन है एल्डर्स हैं, हैं बुजुर्ग हैं अभी मैं इनके विषय में आपको बताता हूं एंड फोर बी ये चार जंतु भी हैं भाई और बहनों अद्भुत जंतु दे सेड एम एन एंड द फोर एंड द ट्वेंटी फोर एंड दी एल्डर्स फेल डाउन एंड वर्शिप हेम दट लिविथ फॉर एवर एंड एवर एंड एवर चौबीस बुजुर्ग गिर जाते हैं झुक जाते हैं और उसकी महिमा करते हैं अब देखें ध्यान से जरा ध्यान से समझिए हाली ये हैं ये एंजल से अलग हैं, इनके सर पे क्राउन है और ये थ्रोन पे बैठे हैं एंजल सिंहासन पे बैठे नहीं दिखते आपको हाले हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एंजल्स को स्वर्ग में से हासन नहीं दिए हैं लेकिन ये चौबीस प्राचीनों के पास सिंहासन है और ये छुड़ाए हुए रिडीम किए हुए मनुष्य हैं। प्रकाशित वाक्य दो का दस पढ़िए प्रकाशित वाक्य तीन का इक्कीस प्रकाशित वाक्य बीस का चार ये वचन पढ़िएगा आप प्रकाशित वाक्य दो का दस तीन का इक्कीस प्रकाशित वाक्य बीस का चार उन्नीस का अट्ठाईस पहला कुरिंथियो नौ का पच्चीस से लेकर सत्ताइस सेकंड तिमथी चार साठ ये वचन आपने पढ़ने हैं फिर से बोल देता हूं रेवोलेशन टू टेन प्रकाशित वाक्य दो दस प्रकाशित वाक्य तीन इक्कीस प्रकाशित वाक्य बीस का चार 19 उन, का अट्ठाईस पहला कुरिथियो नौ अध्याय का पच्चीस छब्बीस सत्ताईस दूसरा तिमोथियस चार का दो हाल एंजल्स को कभी भी आप पूरे रेवोलेशन में सिंहासन पे बैठे नहीं देखोगे और एंजल्स के सर पे कभी भी क्राउन नहीं होते मुकुट नहीं होते मुकुट केवल क्राउन केवल एंजल इनको ट्वेंटी फोर एल्डर्स को मिले हैं एंजल सिहासन के पास केवल यशाया चौदह की बारह से चौदह कुलिसियों एक की सोलह यहां पे मेंशन किया गया और इनके वस्त्र जो है वाइट रेमेंट है सफेद वस्त्र है जो सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ये वाइट कपड़े सफेद कपड़ों का जिक्र है प्रकाशित वाक्य में और ये केवल संतों को दिए गए हैं जिन्होंने मुक्ति पाई उन संतों को दिए गए हैं आप पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य तीन का पांच तीन का अठारह प्रकाशित वाक्य छे का ग्यारह प्रकाशित वाक्य सात का नौ प्रकाशित वाक्य सात का तेरह प्रकाशित वाक्य पंद्रह का प्रकाशित वाक्य उन्नीस का आठ और चौदह पढ़िए ध्यान से ये वचन ये मेमने की दुल्हन को मिले हैं और ये मोक्ष पाए उद्धार पाए लोगों को मिले हैं प्रकाशित वाक्य एक एक प्रकाशित वाक्य पांच की पांच से सात सात की तेरह से पंद्रह उन्नीस का दस बाईस का आठ और नौ यह चीज बताता है कि ये में से एक एल्डर है चौबीस में से ये वचन पढ़ें आप पहला ये ना एक का एक, एक सॉरी प्रकाशित वाक्य एक का एक पांच का पांच से सात सात का तेरह से पंद्रह उन्नीस अध्याय का दस वचन बाईस का आठ और नौ आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी कि ये जो चौबीस बुजुर्ग हैं, इनमें से एक बुजुर्ग है जो युहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिखा रहा है पूरी प्रकाशित वाक्य का टूर दे रहा है इस बुक का एंड ये रिडीम्ड व्यक्ति है मोक्ष पाया हुआ मनुष्य है जो प्राचीनों में ये चौबीस जो बुजुर्ग हैं, ये इनमें से एक मनुष्य है तो ये सारे मनुष्य हैं जिन्होंने उद्धार पाया वचन पढ़ के देखें ये वही है चौबीस बुजुर्गों में से एक जो युन्ना को पूरा प्रकाशित वाक्य खोल के बता रहा है और पूरे रेवलेशन का टूर दे रहा है ये मोक्ष पाए हुए लोग हैं छुड़ाए हुए लोग हैं और ये प्रकाशित वाक्य में यहोवा के सिंहासन के चारों ओर उसकी उपासना करते हैं प्रकाशित वाक्य चार का बाईस ये रैप्चर हुए लोग हैं भाई और बहनों जो उठा लिए गए हैं स्वर्ग में हाल परमेश्वर ने इन्हें ट्रांसलेट किया है ये वो लोग हैं अब मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से लोग ट्रांसलेट हुए हैं उनकी कंपनी क्या है उनकी कैटेगरी क्या है सुनिए ध्यान से हाली लुइया हाले लुइया चार अलग अलग ग्रुप हैं प्रकाशित वाक्य में फोर डिफरेंट ग्रुप्स जिन्हें ट्रांसलेट किया गया जिन्हें उठाया गया रैप्चर किया गया सुनिए अब ध्यान से पहला ग्रुप कौन है पुराने नियम के संत हैं ओल्ड टेस्टामेंट के संत जिन्हें रैप्चर किया गया आपको वचन पढ़ने हैं प्रेरितों के काम सेवन्थ चैप्टर वर्स नंबर थर्टी एट एक्ट सेवन थर्टी एट इब्रानियो ग्यारह अध्याय एक वचन से दस वचन तक और इब्रानियो बारह का एक ये हैं पुराने नियम के संत जो स्वर्ग में रैप्चर हुए हैं उठा लिए गए हैं पढ़ लीजिए ये वचन आप खुद आपको ये सारे हवाले मिलेंगे पहला ग्रुप है पुराने नियम के संत प्रेरितों के काम सात अड़तीस इब्रानियों ग्यारह एक से दस और प्रकाशित होकर बारह का एक दूसरा झुंड कौन सा है दूसरा झुंड है न्यू टेस्टामेंट चर्च के संत नए नियम की कलीसिया के संत ये वो हैं जो उठाए गए हैं मत्ती सोलह की अठारह पहला क्रिंथियो बारह का सत्ताईस अट्ठाईस एफ्सियो एक का बीस से तेईस इफ्सियों दो का चौदह से बाईस इफ्सियों चार का बारह से सोलह एफ पांच का इक्कीस से बत्तीस कुलिसियों एक का अठारह से चौबीस सब रेफरेंसेस पढ़ें आप मसी ने इस झुंड को शुरू किया है हाल इस झुंड को मसीह मसी ने शुरू किया है और मसी रैप्चर पे इस झुंड को प्रेजेंट करेगा इप्सियो पांच का सत्ताईस पहला थे चार का सोलह हाले लुहिया ये दूसरा ग्रुप है जो ऊपर उठाए गए है, लोग हैं तीसरा ग्रुप कौन सा है एक लाख चवालीस हजार यहूदी जवान है एक लाख चालीस हजार यहूदी जवान हाली एक अलग किया गया झुंड है जिन्हें तैयार करेंगे दो गवाह एलिया और मूसा या एलिया और हनूख इनको तैयार करेंगे हाल झुंड को प्रकाशित वाक्य सात की एक से आठ प्रकाशित वाक्य चौदह की एक से पांच चौथा ग्रुप कौन सा है जो रैप्चर हुए लोग हैं ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ ट्रिबुलेशन सेंट्स ट्रिबुलेशन के बीच में जो लोग उठाए जाएंगे ए सेपरेट कंपनी फ्रॉम द चर्च एंड ओटी सेंट फॉर दे आर सेव्ड आफ्टर द रैप्चर कलीसिया के रैप्चर हो जाने के बाद एक झुंड उठाया जाएगा जिसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं मिड ट्रिब कह देते हैं कि जी कलीसिया का रैप्चर कलीसिया का जो रैप्चर होगा वो मिड ट्रिब में होगा कलीसिया आधे समय तक ट्रिबुलेशन में जाएगी मिड ट्रिब होगा और उसी से लोगों ने एक डॉक्टर बनाई है प्री रात प्री रॉथ प्र प्री रॉथ आपस में एक दूसरे की जड़े सेम है और क्या लिखा है यहाँ पे ट्रिपुलेशन के बीच में छुटके आने वाले संत हैं दे आर सेव्ड आफ्टर द रैप्चर एज प्रूव्ड इन जैसे कि प्रकाशित वाक्य सात का उन्नीस से सतारह प्रकाशित वाक्य चौदह का तेरह प्रकाशित वाक्य पंद्रह का दो से चार प्रकाशित वाक्य बीस का चार Hallelujah. These the So, twenty-four elders must be representative of the first two company. For the law, two are not redeemed until after the elders are in heaven, or during. The Fulfillment of Revelation 422. Hmm. आपको मालूम मैंने आपको टीचिंग दी थी मलकी जिदक का ऑर्डर क्या है दर्डर ऑफ मल्की जिदक क्या है मलकी जिदक का ऑर्डर है पहला क्रॉनिकल्स पहला इतिहास उसके 24 अध्याय के एक से नौ वचन को पढ़ो पहला इतिहास के चौबीस अध्याय उसके एक से नौ वचन यहाँ पे राजा दाऊद चौबीस याजकों का ग्रुप परमेश्वर के लिए अलग करता है ट्वेंटी फोर प्रीस्ट ये चौबीस जो याजक हैं ये लगातार यहोवा परमेश्वर की उपासना करते हैं ट्वेंटी फोर का एक ग्रुप है जो अराउंड द क्लॉक यहोवा परमेश्वर के आगे मिनिस्टर करते हैं चौबीस जो याजकों का झुंड प्रीस्टली लेनेज इसे कहा गया है कोर्स ऑफ द कोर्स ऑफ द ट्वेंटी फोर प्रीस्ट ये कोर्स जो है ये राजा दाऊद शुरू करता है और ये जो जकरिया है परमेश्वर की हैकल के अंदर पवित्र स्थान में गोल्डन ऑल्टर ऑफ पे धूप चढ़ा रहा होता है और परमेश्वर का एंजल गेबरियल वहां पे उसे मिलता है वो इसी ऑर्डर में से है ये दो ग्रुप हैं दो झुंड है ये प्रीस्टली ऑर्डर है भाई और बहनों हाल जो राजा दाऊद ने शुरू किया है इस पर हम और चर्चा करेंगे आज फिर हाल लेकिन अभी हम कुछ समय प्रार्थना करें स्वर्ग की बातें समझिए हाले लुया देखिए स्वर्ग की बातें भाई और बहनों अपना मन लगाइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कीजिए हरे लुया धन्यवाद प्रभु तेरे नाम की महिमा हो तेरे नाम की स्तुति हो खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद हरे लुया खुदावंद आज के दिन के उपवास को आप ग्रहण कीजिएगा प्रभु प्रभु आज जो हम उपवास में 24 फोर आवर्स आपकी हजूर में ठहरते खुदावंद आपकी हजूरी हमें भर दे आपकी हजूरी हमें भर दे खुदावंद आपकी हजूरी हमें भर दे आपकी हजूरी भर दे खुदावंद आपकी हजूरी भर दे भर दे खुदावंद आपकी हजूरी पवित्र हजूरी हमें भरे पवित्र हजूरी हमें भरे पवित्र हजूरी भर दे पवित्र हजूरी भर दे हालेलुया 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 <valuyans> खुदावंद आपकी हजूरी आपकी हजूरी आपका मसा खुदावंद जी आपकी हजूरी आपका मसा आपकी हजूरी आपका मसा चाहते हैं आपकी हजूरी चाहते हैं खुदावंद आपका मसा चाहते हैं हम आपके हजूर में आते हैं खुदावंद आपके चरणों में बैठने के लिए आज का दिन डिवोट करते हैं जितने लोग आज का दिन उपवास करें खुदावंद उन सब के ऊपर तेरा विशेष अनुग्रह हो खुदावंद हाले लोहिया तेरी कृपा का हाथ हो खुदावंद उन लोगों पे जो आज उपवास में तेरे सन्मुख बैठेंगे खुदावन जी खुदावंद हमारी आत्मा हमारी जान हमारी देह आपकी हजूरी में शादमान होती है खुदावंद नरचर होती है नरोआ करते हो आप हमें खुदावंद जी हाले हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं हम आपके नाम की महिमा करते हैं महिमा भा करते हैं महिमा करते हैं स्वर्गीय पिता था आपकी स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं हाल लु हाल आपका हो धन्यवाद आपकी हो महिमा आपकी हो स्तुति जीवित परमेश्वर आपकी हो महिमा आपकी हो स्तुति आपका हो धन्यवाद आपकी हो महिमा आपकी हो स्तुति आपका हो धन्यवाद आपकी हो महिमा आपकी हो स्तुति आपका हो धन्यवाद आपकी हो महिमा आपकी हो स्तुति प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद महिमा स्तुति धन्यवाद हाले आपकी महिमा स्तुति आपका धन्यवाद प्रभु जी ये दिन हम धन्यवाद के लिए आपके लिए खुदावन कौन सी क्रिएट करें स्तुति और धन्यवाद के लिए हाले लो धन्यवाद 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 हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, हो धन्यवाद स्तुति हो धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो धन्यवाद स्तुति हो धन्यवाद स्तुति हो धन्यवाद आपकी हो महिमा स्तुति हो धन्यवाद आपकी हो महिमा स्तुति हो धन्यवाद खुदावन जी आपकी हो महिमा स्तुति हो धन्यवाद खुदावन जी आपकी हो महिमा स्तुति हो धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद लहू की जय आपके लहू की जय आपके पवित्र लहू की जय हम हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस यही दुआ है रख लहू के नीचे यही सदा है रख लहू के नीचे नजात दहिंदे हिंदे रख लहू के नीचे खुदा के बरे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू को पुकारे लहू में बढ़े लहू की ही कुवत में बढ़ते चले लहू से मोहब्बत की कलियां खिले लहू से मोहब्बत की कलियां खिले खुदा के बरे मुझे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे येसु रख लहू के नीचे लहू के नीचे नीचे यसू तेरे पीछे पीछे लहू के नीचे नीचे मैं यसू तेरे पीछे पीछे नजाद हिंदे रख लहू के नीचे खुदा के बरे रख लहू के नीचे भाई और बहनों हमारे मुक्तिदाता ने हमारे प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधी है और ये वाचा किसी केवल एक पीस ऑफ पेपर पे किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा नहीं बांधी ये वाचा उसने अपने लहू के द्वारा बांधी है उसने कटोरे को उठाया और कहा ये नए नियम की वाचा का मेरा खून है भाई और बहनों उस दुनिया में दुनिया के बहुत से ईष्ट हैं जो अपने भक्तों से कहते हैं तुम मेरे संग वाचा बांधो और उनके भक्त अपने उन ईष्टों के आगे बकरे छतरे जानवरों को लेकर जाते हैं और जा, उनका लहू चढ़ाते हैं और इंसान उन ईष्टों के संग वाचा बांधते हैं लेकिन देखिए है हमारा अद्भुत प्रभु हमारा जलाली परमेश्वर वो खुद हमारे संग वाचा बांधता है और वो वाचा बकरों छतरों मेमनों के लहू से नहीं वरन अपने निष्कलंक लहू के द्वारा बांधता है आपके संग वाचा है आपके हृदय से शैतान ये बातें जरूर चुरा लेता है जब आपके जीवन में परेशानियां मुश्किलें आती हैं संकट आते हैं रोग बीमारियां आती हैं आपकी आंखों से ये सत्य उजल हो जाता है लेकिन ये सत्य बहुत प्रफाउंड है कि हमारे मुक्तिदाता ने हमारे साथ वाचा बांधी है और ये वाचा उसके लहू में है और ये अनडिनाइबल कावनेंट है ये ऐसी वाचा है जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती इस वाचा के अंदर जो बरकतें लिखी हैं जो आशीषें लिखी हैं परमेश्वर उन्हें डिनाई नहीं करता है परमेश्वर हमारे ऊपर खोलता है लेकिन शर्त एक है आपको इस लहू में नहा के इस लहू के साय के नीचे रहना है आपको इस लहू की वाचा को रद्द नहीं करना है इसे अपने पाऊँ के नीचे नहीं रौंदना है इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है जिन्होंने इस वाचा को अपने पाओं के नीचे रौंद दिया है उन्होंने मेमने के बहुमूल्य रक्त को तुच्छ जाना है ये वो लोग जिन्होंने स्वाद चखा मोक्ष का जिन्होंने आने वाली दुनिया का नजारा देखा जिन्होंने पवित्र आत्मा के वरदान पाए और वो मेमने के लहू को पाओं के नीचे रोंद के चले गए अब उनके लिए जजमेंट है सिवियर पनिशमेंट है उनके लिए मोक्ष की कोई आशा नहीं है भाई और बहनों मेमने के रक्त का सम्मान कीजिए यीशु मसीह का खून ब्रह्मांड की सबसे प्रेशस कमोडिटी है स्वर्ग की गरिमा स्वर्ग की महिमा स्वर्ग का जलाल यीशु मसीह के खून में समाया हुआ है यीशु मसीह के खून का आदर करें जब आपकी वाचा है यीशु मसीह के खून में उसकी जवानी के लहू के संग वाचा लिखी गई है आप उस कॉन्ट्रैक्ट में परमेश्वर यीशु मसीह के संग बांध दिए गए हो अब आप शैतानों की मेज से थोड़ा खा सकते हो ज्योति का अंधेरे के संग क्या मेल है मसीह का बिलाल के संग क्या मेल है धार्मिकता का पाप बदकारी के संग क्या मेल है पवित्र आत्मा का बद्रुओं के संग क्या मेल है क्यों मिलाप करते हो आप आप यीशु मसीह के खून को रद्द करके संसार संसार की चीजों के संग आप समझौता करते हो कंप्रोमाइज करते हो और यीशु मसीह के खून को रद्द करते हो यीशु मसीह के लहू का आदर करें आप इस वाचा को तोड़ नहीं सकते जब आप पाप करते हो अधर्म कमाते हो जनाकारी हरामकारी गंदे काम करते हो ये वाचा को तोड़ के आप शैतान के साथ वाचा जोड़ते हो इसलिए लोगों के जीवन पे कर्स आते हैं बीमारियां आती हैं लानते आती हैं इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह की वाचा से बाहर निकल जाते हैं ब्लड कवरेंट से बाहर चले जाते हैं इस ब्लड कवनेंट के अंदर रहना है इस लहू की वाचा की बरकतें इतनी नायाब हैं हाले लुया इसके प्रोमिस और इसकी ब्लेसिंग इतनी नायाब हैं भाई और बहनों हाले लुया कि हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाएंगे इस मॉटल ह्यूमन माइंड के द्वारा हाले तो ब्लड के सा के नीचे बने रहें हाले लुहू मसीह के खून के साए के नीचे बने रहें यीशु मसीह के ब्लड कवेंट को इन्वोक करें अपने परिवार पे अपने बच्चों पे रोज इन्वोक करें यीशु मसीह के ब्लड कवलेंट की ब्लेसिंग को अनलीश करें वॉक अंडर द ब्लड हाल एंड नेवर एवर ट्रेम्पल द ब्लड ऑफ द लैम अंडर फुट इफ यू डू सो देअर इज An awful judgment and ter terrible condemnation that awaits. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You can plead the blood over your household daily. I do it consistently. I unleash the blood every day. I walk under the blood every day. I keep sure that none of the thoughts that I entertain in my mind. In my heart, in my soul, goes contrary to the word of the Lord, even thoughts. If there arises any thought <clears throat> that tries to defy the covenant, that tries to go against the mind of the Lord, I bind that thought and I make that thought subservient to the Lord, making it slave to the Lamb of the Lord, the precious Lamb of God. And I pull down every stronghold.

थैंक यू जीसस मैं ब्लड कावनेंट की ब्लेसिंग आपके ऊपर खोलने जा रहा हूं मेरे संग संग इन्वोक करें ब्लड को मेरे पीछे पीछे कहें स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के पवित्र ब्लड के लिए स्वर्गीय पिता ये ऑसम ब्लड कावनेंट के लिए ये जो अमेजिंग ब्लड कावनेंट आपने हमारे संग बांधा है थैंक यू फॉर देट पावरफुल Blood covenant, glorious blood covenant. Father, Holy Father, I repent of all sins, sins of presumptuousness, the sins that so easily beset me. Lord, the willful sins that I committed against you. Lord, I repent. This morning, Lord, I come with a heart of repentance. Lord, I come with a soul. Lord, that is contrite, spirit that is broken, Lord, that you may cleanse me in the precious blood of the Lamb. Purify me, Lord, all my uncleanness, all my impurity, all my unrighteousness, my iniquity, my trespasses and sins, may you cleanse them in the blood of the Lamb, Holy Father. Even now, even now, Lord, I bring my life at the foot of the cross. Lord, at the foot of the cross, where the fountain of life is flowing, where the fountain of the precious blood of the lamb is flowing, let the fount, the only fount of the precious blood purge me and cleanse me in and out. Every thought, every imagination, every fantasy, every desire, every intent, every emotion, Lord, I मेक सब सर्वियंट टू दिल ऑफ़ द फादर एंड लॉर्ड लेट इट बी फ्रस्ड एंड कलेंज इन द ब्लड द लैम लॉर्ड कलेंज माई सोल कलंज माई स्पिरट कलंज माई बॉडी हाल लुहिया खुदावंद मेरी रूह को धो मेरी जान को धो मेरे बदन को धो खुदावंद ब्रे के बे आब खून से मैं बर्रे के खून के आगे हाल लुआया अपने आप को हलीम करता हूँ बर्रे के ख़ून का चश्मा बहे हाल लुहिया बर्रे के बेअब खून का चश्मा मेरे जीवन में मेरे बीवी बच्चों के जीवन में मेरे खानदान में खुदावंद मेरे घर के चारों और बर्रे के बेअब खून का चश्मा बहे खुदावंद हालेलुया, लुया हालेलुया, थैंक यू फॉर द ब्लड थैंक यू फॉर द ब्लड थैंक यू फॉर द होली ब्लड थैंक यू फॉर द होली ब्लड थैंक यू फॉर द होली ब्लड अपना मुंह खोलें येसु मसीखें हाल खून की जय जयकार करें हाल हाल लोहिया जो खुदाबंद जलाली खून बाप के हजूर में है हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है हाल लोहिया तेरा बेअब जंदा ख़ून जो बोलता है मेरे लिए हाल लोहिया यसु के खून को मैं जलाल देता हूँ यसु के ख़ून की मैं हमद गाता हूँ यसु के खून की मैं सिफतें करता हूँ हाल लुिया यसु तेरा खून जलाली है यसु तेरा खून लसानी है यसु तेरे खून में शिफा है तेरे खून में छुटकारा है यसु मसीह तेरे खून में मसा है तेरे खून में रिहाई है तेरे खून में सारी नेमते हैं सारी बरकते हैं खुदावंद तेरे ब्लड कवलेंट के साथ मैं अपनी सोल को अपनी स्पिरिट को अलाइनमेंट में लाता हूँ हाल लुआया तेरे वाचा के खून के साय के नीचे हम बने रहें तेरी वाचा के प्रतिज्ञा के के जलाली खून के साय के नीचे हम अपनी जिंदगी बसर करें खुदावन तेरा खून वेपन है खुदावन में शैतान के ऊपर तेरे खून से और अपनी सच्ची गवाही से और खुदावन मैं अपने उस दिल से जो मसीह को प्यार करता है क्योंकि मैं अपनी जान को प्यार नहीं करता बल्कि मसीह को प्यार करता हूं इसलिए मैं इबलीस के ऊपर जैवंत होता हूं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य बारह की ग्यारह में तीन कंपोनेंट है सुने ध्यान से कौन है जो शैतान के ऊपर विजय पाते हैं आपको मालूम बहुत कम मसीह लोग हैं जमीन पे जो शैतान के ऊपर जैवंत जीवन जीते हैं बहुत कम मसीह लोग शैतान के ऊपर जैवंत जीवन नहीं जी रहे हैं सुन ले ध्यान से आपको मालूम कौन से रिडीम्ड मसी लोग शैतान के ऊपर जैवंत जीवन जीते हैं सुने ध्यान से प्रकाशित वाक्य बारह की ग्यारह ये वो लोग हैं जिनके ऊपर खून का झंडा लहराता है ये वो लोग हैं जो वाचा में जीते हैं पाप नहीं करते पवित्र जीवन जीते हैं लहू का झंडा उनके जीवन पे लहराता है वो खून से सने कपड़े पहनते हैं पहली बात दूसरी बात उनके मुंह में सच्ची गवाही है बहुत सारे लोग झूठी गवाहियां देते हैं बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं यहां तक कि पासवान इसके गुनेगार हैं झूठी गवाहियां तरह तरह की झूठी गवाहियां देते हैं मैं कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के एक डायरेक्टर से यूएस में मिला और उन्होंने बताया किसी एक कंट्री का नाम लिया हमारी पड़ोसी कंट्री है मैं नाम नहीं लूँगा उन्होंने बताया कि वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई पिछले दस सालों में उनको उन्होंने एनालाइज़ किया कंप्यूटर में डाल के तो वो इस नतीजे पर पहुंचे उन सब जो रिपोर्टें भेजी वहां के पासों ने वो रिपोर्टें ये बता रही थी कि वो देश पिछले दस सालों में पूरे तीन बार बचा लिया गया है ऐसे आंकड़े देते थे कि इतनी रूहें आ गई इतनी रूहें आ गई जी वही लोग रिसाइकिल होते हैं एक सिटी में बड़ा क्रूसेड कोई पास्टर कर रहा है दस लाख लोग इकट्ठा हो रहा है वही लोग रिसाइकिल हो जाएंगे अगले सिटी के अंदर वही हो जाएंगे अगले सिटी के अंदर और अमेरिका में जो मशहूर प्रचारक जाएंगे वो बोलेंगे इतने लाख मुसलमानों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया जबकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है यू डोंट सी दैट दैट दैट्स नॉट ट्रू समझ रहे हैं मेरी बात तो लिखा है ये वो लोग हैं हाल जिनके जिंदगी में खून मुसलसल काम करता है आपको मालूम मसीहों के जीवन में यीशु मसीह का खून इनऑपरेटिव हो जाता है आपको मालूम आप अगर बैंक के संग प्रॉपरली डील नहीं करते आपके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती आपकी या बैंक में लेन देन नहीं होता तो बैंक आपको मैसेज देता है कि आपका अकाउंट इन ऑपरेटिव हो गया जॉन चैप्टर नंबर वन वर्स नंबर सेवन एट नाइन पढ़े वहां पे क्या लिखा है वहां पे लिखा इफ इफ वी वॉक इन द लाइट एज इवन ही इज लाइट अगर हम ज्योति में चले नूर में चले क्योंकि खुदावन ज्योति है तब उसके पुत्र यीशु मसीह का खून हमें हमारे सब गुनाहों से धोता है कंडीशनल है ये बात अगर आप परमेश्वर के कलाम की ज्योति में नहीं चलेंगे ज्योति में चलने का मतलब आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं ज्योति में चलने का मतलब आपका जीवन सच्चाई पे कायम है आप झूठ नहीं बोलते आपके लाइफ में राइचियसनेस है होलीनेस है जस्टिस है इक्विटी है फेयर है आपकी लाइफ तब यीशु मसीह का खून काम करता है जीवन अगर पाप में है गंदगी में है तो यीशु का खून काम करना बंद कर देगा हालेलुया। तो लिखा क्या है वो बर्रे के खून के द्वारा रेवोल्यूशन ट्वेल्व इलेवन बर्रे के खून से और अपनी गवाही से सच्ची गवाही से लिखा है शैतान पर जयवंत हुए और तीसरा कंपोनेंट क्या है ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को प्यार नहीं करते तीन बातें हैं ये अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते बल्कि खुदावन से करते हैं और ये वो लोग हैं जिनकी गवाही सच्ची है और ये वो लोग हैं जो मुसलसल बर्रे के खून के नीचे कायम रहते हैं इन लोगों से शैतान डरता है वैसे कहा आप जितने मर्जी गीत गाते जाओ चुप चाप खड़े रहो काम देखो ये होगा लड़ेगा ये करेगा जितने मर्जी गीत बना लो आपने बनाते हो गाते हो गाते रहो उससे क्या है शैतान डरता है कलाम पढ़ो शैतान केवल डरता है इन लोगों से जो लहू के लहू में लिबड़े रहते हैं छिपे रहते हैं बर्रे के खून में और ये वो लोग हैं जो सच्ची गवाही देते हैं और भाई और बहनों ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगियों से प्यार नहीं करते बल्कि बर्रे से करते हैं इनसे शैतान डरता है और कांपता है हाल और ये शैतान को नीचे रखते हैं अपने जैवंत जीवन जीना तीन डिफरेंट लेवल्स हैं विश्वासियों के यीशु मसीह कहते हैं जो राज्य करेंगे ना यीशु मसीह के साथ किंग्स होंगे वो डेफिनेटली वो लोग हैं जो जय पाए हुए हैं प्रभु कहता जो जय पाए उसे मैं सिंहासन पर बैठने के लिए दूंगा जो अपने शरीर शरीर की ख्वाहिशों पे जय पाते हैं जो संसार संसार के जितने नज़ारे हैं मजे हैं संसार के उनके पीछे नहीं भागते उस पे जय पाते हैं और वो लोग जो शैतान पे विजय पाते हैं हाल ही आंखों की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड पे जयवंत होते हैं वो लोग और ये वो लोग हैं जो शैतान पे जयवंत जीवन जीते हैं, वो रूल करेंगे दे विल बी को रिजेंट्स दे विल बी चैंसलर्स विद जीजस तीन बातें हैं कलाम में सुन लीजिए सारे मसीह एक जैसे नहीं हो जाएंगे रैप्चर के बाद सबको एक जैसा रुतबा नहीं मिलेगा एक जैसी पोजीशन नहीं मिलेगी सुन रहे हो आप ध्यान से सुन लीजिए अभी आप कैसे जी रहे हो इस पे डिपेंड करता है बहुत से मसीह लोग अपना पैसा प्रभु के काम में लगाते ही नहीं है संसार संसार की चीजों को इकट्ठा करने की होड़ है उनके अंदर तो सोच लीजिए जब नई दुनिया आएगी प्रभु की तो आपके जीवन की हर चीज रोशनी में आ जाएगी पाप सिन गंदगी में जो जीवन जीते हो प्रभु कहता तीन बातें प्रभु कहता जो फल लाए फिर प्रभु कहता जो वफादार हो फिर प्रभु कहता जो जय पाए तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये जो फल लाए और जो वफादार रहे वफादार रहे ये मार्टर्स हैं जो मसीह के लिए शहीद हो गए और ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया समाज से डरे नहीं बहुत से मसीह लोग समाज से डरते हैं मैं गांव में जाता हूँ वहाँ कुछ लोग विश्वासी हुए हैं कट्टर हिंदुओं का लोग है, तो मैं वहाँ जाके मीटिंग करता हूँ मैंने एक भाई को देखा वो मुझे देखेगा मैं आ रहा हूँ वो भाग आएगा मेरी तरफ बाजार में और मुझे जफ्फी डालेगा मेरे कान में धीरे से कहेगा डरते हैं समाज से हम चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते हैं हाल हुई चिल्ला चिल्ला के जहां परसिक्यूशन है जहां ख़तरा है वहां भी जाते हैं मुझे पकड़ के ले लेके गए लोग मारने के लिए मैं मीटिंग कर रहा था फरीदाबाद में रात के सवा बारह बजे तक लोगों के लिए दुआ करता रहा सैकड़ों लोग थे वहां पे तीन चार हज़ार प्रार्थना की सबके लिए एक एक के लिए आरएसएस के 25 लोग आए मुझे पकड़ के ले गए पांच सात किलोमीटर जंगल में ले गए बड़कर लेक की तरफ और मुझे बोला हम तुझे मार देंगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे मैंने बोला भाई तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक मेरा पिता तुम्हें अनुमति ना दे तो यहोवा परमेश्वर ने उनके बीच में से एक बंदे को उनके खिलाफ कर दिया उसने मुझे भीड़ में से खींचा अपनी स्कूटरी पे बिठाया और मुझे वापस छोड़ गया और जब मैं वापस लौटा जहाँ मीटिंग हो रही थी सब क्रिश्चियन भाग गए थे सब ईसाई दौड़ गए इतने डरपोक होते हैं कोई भी नहीं था वहां पे बंदा जो टेंट वाला अपना सामान इकट्ठा कर रहा था और मुझे क्या बोला जिसके घर में मैं रुका था बंदे ने उसने मेरा बैग पैक कर दिया जब मैं रात को डेढ़ दो बजे उसके घर गया बोला ब्रदर बहुत माहौल खराब है आप यहां से निकल जाओ प्रभु ने मुझे बोला तू क्यों निकलेगा यहां पर यहीं पर मैं तेरे संगूँ तो एक भाई और जो हिंदू परिवार से कन्वर्ट हुआ संजय भाटिया मैंने उसको रात को फ़ोन लगाया वो मुझे लेके गया अपने घर और मैं वहीं रहा मैंने वहां जाके उस इलाके में प्रभु यीशु मसीह के न्यू टेस्टामेंट बांटे और प्रभु का वचन बांटा हालेलुया ये ये 500 किलोमीटर थोड़ा मैंने बोला ये क्यों लिख रहे हो आप बीच में मैंने तो बोला चार पांच किलोमीटर आप पांच सौ किलोमीटर लिख रहे हो प्रभु यीशु मसीह रक्षा करता है हाल प्रभु यीशु मसीह आपके अंग संग मैंने उनकी शॉप्स पे गया और उन्हें न्यू टेस्टामेंट दिया और उन्हें पर्चे बांटे हाल यीशु मसीह जीवित है वो आपके अंग संग रहेगा मुझे चालीस पचास निंगों ने घेर लिया बठिंडा में और ऐसे मेरे भाला लगा दिया मेरी चिन्ह इस मेरे गले पे और बोला कि ते, ते, तेरा यस्सु ने या मेरा भाला मैंने उसको बोला तेरा भाला मेरा कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु आपको बचाएगा आपके अंदर स्पिरिट और बोल्डनेस होना चाहिए दिलेरी का रू हाल यह यहूदा के बब्बर शेर की औलाद अपने आप को कहते हो और डरपोक जीवन जीते हो डरते हो प्रोटोकॉल से कि प्रभु के बारे में बताएंगे पुलिस ना पकड़ ले लुया डरपोकों को कभी भी प्रभु इस्तेमाल नहीं करता डरपोक हर रोज मरता है हाल लुइया राइचस आर बोल्ड एज लायन मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ख बन जाओ स्टूपिड ढंग से काम करो बुद्धि मांगो प्रभु से हाली और यीशु मसीह के लहू के साय के नीचे घूमो खून के साय के यीशु मसीह के लहू के साय के नीचे अगर आप रहोगे तो आपके अंदर प्रभु के गुण होंगे पवित्र आत्मा के फल होंगे हालेलुया पवित्र आत्मा के फल पढ़िए वचन में पांच अध्याय गलतियों की पत्री में सिस्टर रजिया जी पढ़ें पवित्र आत्मा के फल पवित्र आत्मा के फलों में से एक है वफादारी वफादार रहें धन्यवाद रहें सब चीजों के लिए प्रभु के भी रहे और प्रभु के लोगों के जिन्होंने आपके जीवन में कुछ किया है प्रभु के प्रभु ने करवाया है वो पर उनके भी धन्यवादी रहे ये सीखे बातें खुदा के कलाम में से हाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरे नाम की हम महिमा करते हैं आज के दिन के लिए खुदाबंद इस उपवास में तेरी हजूरी का अबर तेरे लोगों के ऊपर हो हाले आज हम प्रार्थना करेंगे टेन ओ क्लॉक फिर मैं आप लोगों के संग मिलूंगा केवल प्रार्थना करेंगे हम हाल और आ, स्तुति करेंगे आराधना करेंगे फिर उसके बाद फिर टू ओ क्लॉक करेंगे प्रार्थना और फिर इवनिंग में करेंगे हाली आधा आधा घंटा प्रेयर स्पेल हाली प्रार्थना अगर आप ऑनलाइन नहीं जुड़ पाओगे आप जहाँ भी हो आत्मा में प्रार्थना कीजिएगा टेन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक और सिक्स इन द इवनिंग आत्मा में जुड़े रहिए सजग रहिए हाल धन्यवाद हो प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं हाल लुइया स्तुति करते हैं खुदावन वी ब्लेस यू लोड वी प्रेज यू खुदावन जितने नए लोग जुड़े हैं बाद में उन सबको भी आपके हजूर में उठाता हूँ लोड आई इन वोक द ब्लड ओवर दीज पीपल ओवर शालू गाबा एंड हर सिस्टर्स हाउस होल्ड Lord, I speak the blood of the Lamb. And Lord, I speak the blood over Bahadur Singh Akash and household, Bobby Art, over Shanti Thapa Masi, over Jaswant Singh, Lord, I speak the blood. I invoke the blood, Lord, over Krishan Kumar. Invoke the blood over Komal Masi, Lord. I invoke the blood, the blood of the Lamb. Jaswit Surinder, Amandeep Kaur, Rajia Pastor, I speak the blood of the Lamb. Hallelujah. Speak the blood of the Lamb. Lord, I speak the blood o, of the Lamb, or Ajit I speak the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Thank you, Lord, for your blood. 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 Thank you for the blood. Thank you for the blood. Thank you for the blood. There is life in the blood. There is healing. Lord, I release healing that is in the blood. There is liberty. There is freedom in the blood, Lord. There is anointing in the blood. Hallelujah. There are all the blessings of heaven in the blood. I release those blessings. Heavenly blessings that are in the blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Lord, open the eyes of your people that they see the power, the majesty that is in the blood of the Lamb. हालेलुया, वी ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू प्रेज़ यू प्रेज़ यू प्रेज़ यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड, वी ग्लोरिफाई यू फॉर योर ब्लड हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फॉर शेडिंग योर ब्लड फॉर मी थैंक यू लॉर्ड, यू लवड मी सो मच दैट यू वन विलिंग टू शेड योर ब्लड फॉर मी अपना खून मेरे लिए बहाया तूने अपना खून मेरे छुटकारे के लिए बहाया मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद तेरा धन्यवाद तेरे खून के साहे के नीचे आता हूँ खुदावंद तेरे खून के साय के नीचे अपनी ज़िंदगी लाता हूँ अपने ख़ानदान को लाता हूँ खुदावंद हाल ही तेरे खून के साए के नीचे तेरे लहू की हजूरी के नीचे लेकर आता हूँ तेरे लोगों को खुदावंद तेरा धन्यवाद तेरे जलाली खून के नीचे तेरे जलाली खून के नीचे तेरा खून खुदावंद वो गुप्त जगह है भजन सहिता इक्यानवे वाली गुप्त जगह तेरा खून है तेरे लहू से बनी कोठरी है जिसमें धर्मी छिपता है खुदावत हाले तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद 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 हो हाले धन्यवाद 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 तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे पवित्र 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 लहू की जय 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 तेरे लहू की जय जयकार 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 तेरे लहू की जय जेरे लहू की जय तेरे लहू की जय जयकार तेरे लहू की जय जयकार तेरे लहू की जय जयकार तेरे लहू की जय जेरे लहू की जय तेरे लहू की जय जयकार 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 यीशु मसीह तेरे लहू की जय जयकार तेरे लहू की जय जयकार तेरे तेरे लहू की कुदरत को खोल तेरे लहू के मसा को खोल तेरे लहू की हजूरी को खोल यीशु मसीह तेरे लहू का मसा तेरे लहू की हजूरी तेरे लहू की कुवत तेरे लहू का मसा तेरे लहू की हजूरी तेरे लहू की कुवत तेरे लहू का मसा तेरे लहू की हजूरी तेरे लहू की कुवत खुदावंद खोल तेरे लहू की कुवत तेरे लहू का मसा तेरे लहू की हजूरी तेरे लहू की कुवत तेरे लहू का मसा तेरे लहू की हजूरी यशु मसीह तेरा धन्यवाद हाले मेरे खुदावंद जिसम के अंदर तेरा खून बहे मेरी खुदावंद आर्टरीज में कैपिलरीज़ में वे तेरा खून बहे मेरे ऑर्गन में तेरा खून बहे मेरे डी मेरे आर में तेरा खून बहे मेरे जिसम के अंगों में तेरा खून बहे मेरे खानदान के अंदर बच्चों बीवी खुदावन सब के अंदर तेरा खून बहे तेरा जलाली खून बहे खुदावन ये जितने लोग खुदावन ऑनलाइन है खुदावन इनके अंदर तेरा खून बहे तेरा खून बहे तेरा खून बहे मैं तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ तेरे खून के मसाह को खोलता हूँ तेरे खून की हजूरी तेरे लोगों के अंदर बहे खुदावन इनकी रूह जिसम जान में तेरे खून की कुदरत 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 बहे खुदावन खून की कुदरत बहे खुदावन खून की हजूरी बहे खुदावन खून की हजूरी बहे खून की हजूरी बहे बहे खुदावन तेरे खून की हजूरी बहे खौ। खुदावन तेरे खून की हजूरी खून की हजूरी खून की हजूरी खुदावन तेरे खून की हजूरी को बहने दे खुदावन ये लोग बदलें तेरा खून बदल देता है अंदर से तेरा खून बंधन तोड़ता है तेरा खून जुए तोड़ता है तेरा खून सोचों को बदलता है ख्यालों को बदलता है तेरा खून एक नया माइंडसेट देता है खुदावन खुदावंद तेरा खून एक नया एटीट्यूड देता है नया माइंड सेट खुदावंद एक, एक नया परस्पेक्टिव जीवन में देता है तेरा खून हमें तेरे कलाम से जोड़ता है तेरा खून स्वर्ग से जोड़ता है तेरा खून स्वर्गीय रेवलेशन को खोलता है खुदावंद तेरा खून और पवित्र आत्मा और तेरा कलाम तीनों मिलके काम करते हैं जहाँ पे यीशु मसीह का खून होता है वहाँ पे कलाम आता है जहाँ पे यीशु मसीह का खून होता है वहां पे पवित्र आत्मा मंडल आता है हाल यीशु मसीह के खून का आदर करता है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के खून का सम्मान करता है जो खून से लिबड़े रहते हैं खून में छिपे रहते हैं वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं हालीलुहिया वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं वो भले चंगे रहते हैं स्वस्थ रहते हैं बीमारियां उनके डेरे में नहीं आती वो लंबी उम्र भोगते हैं उनका जीवन महिमा से भरा जलाल से भरा उवर से भरा होता है वो मसीह के जैसे बनते जाते हैं तेरा खून ही तो हमें मसीह के जैसा बनाता है तेरे खून में मसीह की नेचर है तेरे खून में मसीह का किरदार है मसीह का करैक्टर है मसीह का स्वभाव है जब हम तेरे खून में चलते हैं हम यीशु मसीह जैसे बनते हैं यीशु मसीह की तरह प्रेमी प्यार करने वाले यशु मसीह की तरह वफ़ादार यशु मसीह कहता मैं वफ़ादार हूँ पढ़ा आपने प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है यशु मसीह यशु मसीह कहता आई एम फेथफुल तो आप फेथफुल हो एक दूसरे के प्रति वफादार हो आप जीसस इज फेथफुल यीशु मसीह कहता है मैं वफादार हूं फेथफुल एंड एमेन वफादार और आमीन जो कभी अपने वायदे से मुकरता नहीं है हाल हिलु यीशु यशु मसीह तेरा खून हमें वफादार बनाता है तेरा खून हमें तेरे स्वभाव में खुदावन बदलता है हम तेरे लहू के द्वारा तेरे जैसे बनते हैं खुदावन दयालु प्रभु तेरे नाम की महिमा दयालु प्रभु तेरे नाम की स्तुति दयालु प्रभु तेरे नाम को जलाल दयालु प्रभु तेरे नाम को जलाल दयालु यीशु मसीह तेरे नाम को जलाल दयालु यीशु मसीह तेरे नाम को जलाल तेरे नाम को जलाल हम्म तेरे नाम को जलाल तेरे नाम को जलाल तेरे नाम को जलाल हाल लुया तेरे खून की कुदरत खोल खुदावन तेरे खून की गहराइयां तेरे खून में छिपी गहरी बातें तेरे खून से ही रेवल्यूशन मिलते हैं तेरे खून से ही हम हेवन को एक्सेस करते हैं तेरे खून के द्वारा ही हमारी सोल असेंड करती है द असेंशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू द ब्लड द ब्लड इज द Only access into your presence. And Lord, when I walk in the blood, covered in the blood, you don't see me, you see Jesus in me. I walk like Jesus. I talk like Jesus. I minister like Jesus. I preach like Jesus. I do every chores of life like Jesus. Hallelujah. Thank you for the blood, Father. Thank you for the amazing power in the blood that the devil is so scared that even sicknesses are scared, that even viruses are scared of a man that walks in the blood. The viruses drop dead to see a man who walks under your blood. Hallelujah. Tera ho. Tera ki jai. तेरे लहू की जय यीशु तेरे लहू की जय हालेलुया। तेरे लहू की जय हो तेरे लहू की जय हो हाले तेरे पवित्र लहू की जय हो हाले तेरे पवित्र खून की जय हो तेरे पवित्र पवित्र खून की जय पवित्र पवित्र खून की जय पवित्र पवित्र खून की जय खून की जय खून की जय हालेलुया दिया जीने को रंग 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 रूह पाक किया संग 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 चौपान बनावो एक अजब खुशी अनोखा मसा दिल जान बना वो होंगलिया अंग संगलिया संग ये सुने दिया अपना जहन दिया अपना मसा मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया ये सुने दिया अपना जहन दिया अपना मसा मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया यश मसीह तेरे इन लोगों को अपने लहू में रंग इनकी सोचों को रंग अपने लहू में इनके ख्यालों को रंग अपने लहू में खुदाबन तेरे दीवाने बने तेरे लहू की कुदरत को जाने तेरे लहू के साये में चले खुदावन मैं एक एक जन को तेरे खून में छिपाता हूँ हाल तेरा जलाली नाम ऊँचा हो खुदावन तेरे जलाली नाम की महिमा हो हाल लुइया हाल यशु मसीह तेरा धन्यवाद यशु मसीह तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो हाले भाइयों भाई और बहनों यशु मसीह के नाम की महिमा हो हाले <coughs> भाइयों और बहनों फीस्ट ऑफ द टेबन झोपड़ियों का पर्व चल रहा है कल और परसों परसों झोपड़ियों का पर्व खत्म हो जाएगा आज हम उपवास के संग प्रार्थना कर रहे हैं परसों फिर उपवास के संग प्रार्थना करेंगे और झोपड़ियों के पर्व को सेलिब्रेट करेंगे ये सीजन है ब्लेसिंग का हाल ही है झोपड़ियों के पर्व के दौरान इसराइली लोग तंबू बना के उन तंबूओं में रहते हैं पहले वो पाम ट्री ब्रांचेस की झोपड़ियाँ बनाते थे यह पर्व इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है इसराइल याद करता है परमेश्वर की गुडनेस को परमेश्वर की करुणा को परमेश्वर की दया को परमेश्वर की भलाई को जो परमेश्वर ने की जब परमेश्वर ने बनी इसराइल को 40 वर्ष मरुभूमि में चलाया कैसे परमेश्वर उनके ऊपर आग का खम्बा बना कैसे परमेश्वर उनके ऊपर जलाल का बादल बना कैसे परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे चला कैसे परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को मारा कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया कैसे परमेश्वर ने उन्हें गोश्त भी खिलाया और चट्टान से पानी पिलाता रहा ये चीजों को याद करके यहोवा का धन्यवाद करते हैं इसराइली लोग वो तम्बुओं के अंदर बने रहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं हाल तो ये पर्व परसों समाप्त होगा ये दो तारीख से चल रहा है फीस्ट ऑफ द टेबन इसे सुखा बोलते हैं सुखा सुकोथ भी बोलते हैं हाल तो आज उपवास में हम दिन भर प्रार्थना करेंगे ये 24 फोर आवर्स की फास्टिंग है कल फास्ट नहीं करेंगे परसों फिर फास्टिंग करेंगे हम और इवनिंग में उसे खोलेंगे और प्रभु भोज करेंगे हाल और इसे सेलिब्रेट करेंगे हाल परमेश्वर की अद्भुत आप जो उपवास रखते हो ना मेरे संग आगे रखते जाइए देखिए बरकतें कैसी खुलती हैं खुदावंद की कैसे आपका जीवन बदलेगा और कैसे आप यीशु मसीह के निकट आओगे आप देखते जागा आले है खुदावन जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए ये दिन आपके हाथ में देते हैं हम खुदावन प्रार्थना में लगे रहे आज का दिन आपकी आशीष सबके ऊपर हो यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन आले आज हम उपवास करेंगे कल उपवास नहीं करेंगे लेकिन कल प्रार्थना में लगे रहेंगे परसों फिर फास्टिंग करेंगे और पर्व को सेलिब्रेट करेंगे अगर परमेश्वर आपके दिल में डाले, तो झोपड़ियों के पर्व को परमेश्वर के लोग यहोवा के सरमुख भेंट लाते हैं अगर आपको परमेश्वर का आत्मा बोले तो आप अवश्य प्रभु को एक भेंट अर्पण कीजिएगा झोपड़ियों के पर्व की हाल लुया और परमेश्वर आपको आशीषित करे जय यीशु मसीह की परमेश्वर के लिए फिराक दिल बनिए जनरस बनिए गॉड विल ब्लेस यू यशु मसी के जलाली नाम में हैव अ वंडरफुल डे जय मसी